मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज संडे है और आज का दिन पूरे विश्व में उस महान व्यक्तित्व को समर्पित है जिसका हमारी जिंदगी में एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है। जी हाँ, आज फादर्स डे है। कहते हैं कि एक इंसान अपने लिए जिंदगी सिर्फ तभी तक जीता है जब तक कि वो बाप नहीं बन जाता। उसके बाद उसकी जिंदगी, उसका परिवार, उसके बच्चे हो जाते हैं। और हमारे व्यक्तित्व को निखारने में, हमें एक अच्छा इंसान, हमें अपने पांव पर खड़ा करने में हमारे पिताजी की एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो मेरी तरफ से, चौहान क्लासेस की तरफ से, विश्व के सभी पिताओं को इस दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्यारे दोस्तों, इंसान जब धरती पर आता है तो भगवान उसे कोई ना कोई प्रतिभा जरूर देकर भेजते हैं। वो प्रतिभा किसी भी रूप में हो सकती है। कोई व्यक्ति एक अच्छा मूर्तिकार हो सकता है, तो कोई गीतकार, कोई एक अच्छा संगीतकार हो सकता है, तो कोई अच्छा कवि हो सकता है। हर व्यक्ति के अंदर बहुत सारी असीम संभावनाएं हैं। जरूरत है उन्हें सोच समझकर अपने अंदर से निकालने की और अपनी उम्मीदों को नया आसमान देने की। तो अब मैं आपके सामने वो कविता रखने जा रहा हूं जो अपने टीचर के प्रोत्साहन पर मैंने लिखी थी, और वो उस वक्त के मौजूदा हालातों को देखते हुए मेरी एक छोटी सी कोशिश थी। तो आप वो सुने, देखें और बताएं कि कैसी है, क्या कुछ बदला है या अब भी हम वहीं खड़े हैं। कि भारत सिर्फ किताबों में है, भारत सिर्फ किताबों में है। आओ एक पन्ना पढ़कर सुनाऊं, इसके असली चेहरे की तुमसे मैं पहचान कराऊं। दफ्तर के बड़े बाबू से सिर्फ मुलाकात होती है, दफ्तर के बड़े बाबू से सिर्फ मुलाकात होती है, लेकिन मेज के नीचे से ही असली बात होती है। भुजंग बड़े बड़े हैं यहां, भुजंग बड़े बड़े हैं यहां, बहुत पहने हैं इनके डंक, और गोरे लोगों से बढ़कर है इन कालों का आतंक। महंगाई की मार से गरीब नहीं पाता है बोल, महंगाई की मार से गरीब नहीं पाता है बोल। अरे घटते हैं रेट कंप्यूटर के और बढ़ते हैं आलू प्याज के मोल। पश्चिमी सभ्यता के बादल देश में इस कदर छाए हैं, पश्चिमी सभ्यता के बादल देश में इस कदर छाए हैं, आज हमारे राम और सीता क्लबों में नाचने आए हैं। अरे पहले जो काट देता था चट्टानों को तलवार से, पहले जो काट देता था चट्टानों को तलवार से, आज दुखी है वही युवा बेरोजगारी की मार से। जो मजदूर देश में उन्नति के बीज बोता है, अरे जो मजदूर देश में उन्नति के बीज बोता है, वो आज भी अपने पेट पे कपड़ा बांध के सोता है। भूल गए सब धर्म को अपने, भूल गए हैं खुदाई को, भूल गए सब धर्म को अपने, भूल गए हैं खुदाई को, हिंदू मुस्लिम का नाम लेकर काट रहा भाई भाई को। जनता को सुविधा देना सरकार का पहला फर्ज है, जनता को सुविधा देना सरकार का पहला फर्ज है, शायद इसीलिए देश पे विश्व बैंक का अरबों का कर्ज है। देश की कोई भी समस्या इतनी छोटी नहीं है, देश की कोई भी समस्या इतनी छोटी नहीं है। हमारे पास परमाणु बम तो हैं, खाने को रोटी नहीं है। संसार की इस लिस्ट में नंबर तो देखो हमारा। अरे कहने से क्या होता है, झंडा ऊंचा रहे हमारा। जाने देश का गुरूर किस बात पे अटका है, जाने देश का गुरूर किस बात पे अटका है। अरे सीमाओं का मुद्दा कितने सालों से लटका है, ये कैसा कोहरा छाया है, ये कैसा कोहरा छाया है, ये कैसा परिवेश है। क्या यही बापू भगत सिंह के सपनों का देश है?
इससे फर्क नहीं पड़ता है। बात ये सारी कब की है? इससे फर्क नहीं पड़ता है, बात ये सारी कब की है? ये सारे हालात बदलना जिम्मेदारी सबकी है, जिम्मेदारी सबकी है। प्यारे दोस्तों, ये कविता मैंने तब लिखी जब एक अध्यापक ने मेरा नाम कविता प्रतियोगिता में लिखवा दिया और मेरे एक दोस्त ने कहा कि तुम ये काम कर सकते हो, और उनके उस विश्वास से ही, उनकी उस प्रेरणा से ही मैं ये कविता लिख पाया और इस कविता को जहां भी मैंने सुनाया मुझे पुरस्कार मिला। क्यों? क्योंकि ये कविता एक सच्चाई को व्यक्त करती है, और साथ में मैंने ये भी कहा कि ये सारे हालात बदलना जिम्मेदारी सबकी है। तो ये अच्छे कंक्लूडिंग पॉइंट पर खत्म होती है। अब बात जो है वो ये कि हमें बहुत बार जिंदगी में हर बार ये कहने वाला कोई नहीं मिलेगा कि तुम ये काम कर सकते हो, तो हमें उस सामने वाले का, ये कहने वाले का इंतजार भी नहीं करना है। अगर आपके मन में ख्याल है तो अपनी कागज, अपनी कलम उठाइए और लिख डालिए। यदि मन में हजारों रंग उमड़ उमड़ कर आ रहे हैं तो अपना ब्रश उठाइए, कैनवस उठाइए और रंग डालिए सामने। संभावनाओं का असीम संसार आपका इंतजार कर रहा है। आज मुझे सिर्फ आपसे इतना ही कहना था कि इन पंखों को खोलिए और आकाश आपका है। हैव अ गुड डे, गुड बाय।